दैट्स ग्रेट। और पहिया का देखिए, इसका जो अलॉय व्हील है गोल्डन कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स गो, कम ऑन, भागो बामी भागो। दिखा दो अपने चेहरा पब्लिक को। गजब भाई गजब, डोमिनर का क्या परफॉर्मेंस है, क्या पावर है, मेरा दिल तो पूरा खुश हो गया। गाइस मैं अभी घर जा रहा हूँ हाथ छोड़ के मजा लेते हुए। आरपीएम देखिए 2500 आरपीएम है, 6 नंबर गियर में है। देखिए स्पीड देखिए 47 48। ओ हाथ छोड़ के लीन किया, मजा आ रहा है ऐसे चलाने में। नमस्ते, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज बहुत ही क्रेजी राइड होने वाला है, आप लोग को थंबनेल देख के समझ गए होंगे। डोमिनर 400 पे राइड होगा, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही क्रेजी, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो डोमिनर 400 तो बहुत ही अच्छा बाइक है, आप लोग तो जानते हैं उसका पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो एक लॉन्ग टूरिंग बाइक है। सो मेरे शोरूम का ही गाड़ी है, कुछ दिन पहले आई है, मैंने सोचा आज एक राइड किया जाए, तो आज फाइनली मैं राइड पे जा रहा हूँ। आज संडे है, संडे राइड भी हो रहा है और डोमिनर का फील भी लूँगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, पावर कैसा है, मैं सब कुछ आप लोगों के सामने आज शेयर करूँगा। एंड जो जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है वो लोग फॉलो कर लीजिए। बहुत ही तगड़ा तगड़ा रील मैं अपलोड कर रहा हूँ कुछ दिन पहले से ही, सो वो सब रील्स वगैरह देखने के लिए इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करना पड़ेगा ही। तो जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर ये देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। तो फिर चलिए ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए, तो फिर चलिए चलते हैं, लेट्स गो। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। सो फाइनली गाइस ये रहा डोमिनर 400, खतरनाक बाइक, 400 सीसी का बाइक है, समझ रहे हो। इसे आज मैं बहुत भगाऊंगा, बहुत मजा लूंगा, एक फील लूंगा बाइक का क्या लग रही है। ग्रीन कलर का बाइक तो आप देखते हैं डोमिनर 400, लेकिन देखिए ब्लू कलर एकदम यूनिक टाइप, मेरे इसके साथ मैच भी हो रहा है, दैट्स ग्रेट। और पहिए का देखिए, इसका जो अलॉय व्हील है गोल्डन कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर चलिए बाइक को थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा हाईवे। बहुत ही अच्छा है, देखिए गाइस क्या खूबसूरत, क्या प्यारा लग रहा है। तो फिर चलिए गाइस चलते हैं, लेट्स गो, बिस्मिल्ला। तो डोमिनर तो मैंने चलाया है पहले, लेकिन लोकल में मतलब इतनी दूर हाईवे पे कभी नहीं चलाया, इतना ही भगा है डोमिनर को। सो आज भगाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। पता है गाइस ये बाइक मैं जिस दिन लेने गया था आज से 2-3 दिन पहले, सो उस दिन भी मैं ब्लॉग बनाने वाला था, लेकिन जो हादसा हुआ वो तो अब छोड़ ही दो, बहुत बड़ा हादसा हो गया था। बाइक के जो ओनर थे वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया था, 2 घंटे से वहाँ पर खड़ा था, उसके बाद जाके मुझे बाइक मिली। क्या बताओ यार, मूड ही पूरा ख़राब हो गया था, मैं ब्लॉग बनाते बनाते छोड़ दिया, नहीं तो आप इस बाइक का डिलीवरी देख पाते। सो अभी करते हैं कैमरा को ऑफ, डायरेक्ट हाईवे पे चल के करते हैं कैमरा को ऑन। सो टाटा गाइस, हाईवे पहुंच गया, अब लेते हैं इस बाइक का फील मज़ा। ओ भाई लाजवाब पावर है, बेहतरीन।
159, बहुत मजा आ गया यार, बहुत दिनों बाद इतना तेज खींचने का मौका मिला। इस बाइक का कंडीशन बहुत अच्छा है, इसलिए जैसे मर्जी वैसे खींचो, बाइक का ले लो मजा। लेट्स गो, कम ऑन, भागो डमी भागो। दिखा दो अपने जलवा पब्लिक को। So, जो भी हो, इसका टॉप स्पीड है अराउंड 164 से 165। So, गाड़ी का चेन स्पॉकेट इतना अच्छा नहीं है, अगर चेन स्पॉकेट अच्छा होता तो और भी ज्यादा भागती, चेन स्पॉकेट की वजह से भाग नहीं पा रही है। जो भी हो, 164-165 स्पीड कम नहीं है, बेहतरीन। मजा आ गया यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया, खुश हो गया मैं। गजब भाई गजब, डोमिनर का क्या परफॉर्मेंस है, क्या पावर है, मेरा दिल तो पूरा खुश हो गया। देखो 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 इनकी हरकत देखो, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है। अबे यार आधा दिन तो आ गया, क्यों चलाते हो ऐसा हेलमेट छोड़ के, कम से कम हाईवे पे तो हेलमेट पहन लेना चाहिए। गाइस मैं तो अकेला हूँ, लेकिन ये बाइक राइड करके बहुत ही मजा आ रहा है, ठीक है। देखा ना आप लोगों ने कैसे मैं चला रहा था बुरी तरह। डोमिनर बाइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील मिला मुझे, इसका जो स्पीड है बाप रे बाप, ये देखिए। सिर्फ पिकअप देने में जो देर है, बाइक ऑटोमेटिक खींचती है। बाइक के लिए 150 क्रॉस करना कोई बात ही नहीं है, एकदम मतलब आराम से 150 क्रॉस कर जाती है। लेकिन अपनी सीजा वो तो बहुत मुश्किल से 150 क्रॉस करती है, वो कहा 200 और ये कहा 400, फर्क तो होगा ही। जो भी है, कोई भी बाइक बुरा नहीं होता है, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ बाइकों का मजा लेना है, मुझे सभी बाइक पसंद है, कोई बाइक बुरी नहीं होती है, सिर्फ बाइक का मजा लीजिए, बाइक को बदनाम मत कीजिए। गाइस मैं अभी घर जा रहा हूँ हाथ छोड़ के मजा लेते हुए। आरपीएम देखिए 2500 आरपीएम है, 6 नंबर गियर पे है। देखिए स्पीड देखिए 47-48, ओ हाथ छोड़ के लीन किया, मजा आ रहा है ऐसे चलाने में। आगे का टायर थोड़ा सा खराब है, इसलिए बाइक इधर उधर खींच रही है। पूरा रोड में ऐसे ही जाऊंगा, जहाँ पर खाली मिलेगा ऐसे, जहाँ पर ट्रैफिक होगा वहाँ तो हैंडल पकड़ना पड़ेगा ही। अभी फिलहाल जहाँ जहाँ पर खाली है वहाँ पर ऐसे ही जाऊँगा, एकदम मज़ा लेते हुए, बाइक का फील लेते हुए। देखिए हाथ छोड़ के लीन कर रहा हूँ। सो गाइस मैं पांडव पहुँचने वाला हूँ, सीधे जाऊँगा शोरूम पे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहिए। एंड जो जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह का ब्लॉग देखने के लिए, मतलब हर तरह का। गाइस आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा। गाइस आप लोगों ने कमेंट किया था बंगाली में ब्लॉग बनाओ, तो मैंने इससे पहले वाला 2 वीडियो बंगाली में डाल दिया, ठीक है, और ये आज हो रहा है हिंदी में,
तो कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग मुझे बताना आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए, उस तरह का वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा, बंगाली में, हिंदी में, राइट जो भी हो आप लोग बताना, सिर्फ कमेंट करना। सो वीडियो को यहीं पर एंड किया जाए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज़।